आपने दाल तो बहुत खाई होगी, पालक की दाल भी खाई है। आज हम आपको खिलाएंगे बथुए का सकपहता, बहुत टेस्टी होता है। कर लिया है बढ़िया से, धुल के पहले से ही रख दिया था। अब इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। मैंने एक कटोरी उड़द की दाल ले ली है, इसको हम अच्छे से दो तीन पानी धो लेंगे। ये हमने ले लिया कुकर, और इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल को। ये हमने डाल दिया दाल को, और इसी में डाल देंगे अपना हमने जो बथुआ काट के रखा था। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। हमने इसमें एक गिलास डाला पानी, और इसमें डालेंगे नमक, और इसको बंद करके हम 3 से 4 सीटियां लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पे। कुकर कर देंगे बंद, और मीडियम फ्लेम आँच पे इस पर हम 3 से 4 सीटियां लगा लेंगे। अब इधर अपने दाल को भी हम देख लेते हैं। हमने इसमें 4 सीटियां लगाई थी मीडियम आँच पे, देखते हैं इसके क्या हालचाल हैं। तो ये देखिए दाल हमारी खूब बढ़िया पक गई है। इसको बस थोड़ा सा इसे हम मिला देंगे अच्छे से। देखिए हमने उस टाइम पानी थोड़ा कम डाला था, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, लेकिन पानी ठंडा नहीं मिलाएंगे। पानी हमने गर्म करके रखा हुआ है, वो पानी इसमें हम डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा डाल दिया पानी गर्म। अब हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब इसमें हम लगाएंगे खूब अच्छा सा तड़का, और फिर हमारी सकपहता बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारा भगोना हो गया गरम, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, क्योंकि हम अपने सकपहता में देसी घी का तड़का लगाएंगे। आपको जिसका अच्छा लगा उसका लगाइए, लेकिन देसी घी का तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है। घी हमारा हो जाए थोड़ा सा मेल्ट, इसमें हम डालेंगे हींग। हींग थोड़ा अच्छे से ही डालेंगे, 2-3 चुटकी डालेंगे हींग। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन थोड़ा हमारा हो जाए, इसमें हम डालेंगे अपनी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची हमने 2 ही डाली है, फिर बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। और अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 4 लाल सूखी मिर्च साबुत ही। इनको दाल में अलग से खाइए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तड़का हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपनी दाल। ये देखिए हमारा तड़का लग गया दाल में, और इसमें हम एक हल्का सा बॉयल लगा के, एक बॉयल लगा देंगे फुल फ्लेम पे, और इसको कर देंगे हम बंद। हमारी टेस्टी सी दाल बनके तैयार हो गई है सकपहता हमारा। इसको खाएंगे हम, हिंदी में बोले तो सकपहता भात, भात के साथ खाएंगे इसको हम। ये देखिए हमारा बथुए का सकपहता और भात बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऊपर से घी, और इसको स्वाद ले लेके खाइए धूप में बैठ के, बहुत स्वादिष्ट बना सच में। जो पहले लोग कहते थे ना बथुए की दाल, तो आज के टाइम में दाल बोलते हैं, पहले बोलते थे बथुए का सकपहता बनाना है। एक बार खा के देखिए, मज़ा आ जाएगा।